Welcome, my dear friends, for the yet another Hall of Fame interview. We have Mr. Virendra Kumar from Assam. He has been a proud personnel to serve Indian Air Force, and he's been protecting us. So great. Thank you so much, Virendra ji, for this exclusive interview. Tell me something about yourself, sir. Yeah, very good evening, sir. Thank you for inviting me for this nice, amazing occasion. So this was a really a pleasant journey in this industries. I have been served for 20 years in Indian Air Force, and I have taken voluntarily discharge on 31st of December 2022. And hardly 4 months I have spent in this industry. So it was really amazing journey. It was initially very challenging, but now I am getting slowly confident after joining Prism Academy. So thank you Lovely. So much, sir. Fantastic. So what is the total volume of premium that you have achieved up till now? Almost I have gained 1.5 lakhs till now. 1.5 lakhs as commission? Yes. Lovely. And total premium? Premium almost 5 lakhs, sir. Almost 5 lakhs. Congratulations. So everybody who is watching right now the interview, you can type down congratulations to Virendra for getting this particular thing. Okay, so what made you to join insurance industry, Virendra ji? In fact, I have already worked in network marketing companies during my service period. So there was some little bit spark in me to deal with clients, interact with unknown person. So these things pull me in this industry. Because there are lots of challenges in this industry since beginning. So ये journey एक मुझे ये यहाँ तक लेके आई कि मैं किसी से मिल करके बड़ी आसानी से मैं उनके साथ अच्छी रैपो बिल्ड कर सकता हूँ और अपनी जो सर्विसेज है जो प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स प्लान है या जो भी हमारे पास पॉलिसीज हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकता हूँ. सो ये चीज़ पहले से मेरे अंदर थी और कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे एक अपॉर्चुनिटी एक मेरी नेबर्स हैं जिन्होंने बताया था कि यहाँ पे एक जॉब वैकेंसी है और आप फिलहाल अभी घर में बैठे हुए हैं तो एटलीस्ट एक बार इंटरव्यू दीजिए देखिए क्या होता है. और मैं वहाँ गया और उन्होंने जस्ट एक लिटिल बिट कुछ इंटरेक्शन के बाद में उन्होंने सिंपल एक क्वेश्चन पूछा कि इफ़ समवन इज डिनाइंग योर प्रपोजल हाउ यू विल टैकल द क्लाइंट. तो वो चीज़ मेरे माइंड में थी. नेटवर्क मार्केटिंग वाले कंसेप्ट को मैंने वहाँ पर डाला और बोला कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जनरेट द नीड और फाइंड द नीड ऑफ द माई गेस्ट एंड क्रिएट सम अर्जेंसी. ये लाइन उनको बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने जो है वो मुझे मुझे बोला कि शायद लगता है कि आप शायद ऑलरेडी कहीं काम कर चुके हैं. मैं बोला नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है बट मैं ऑलरेडी कुछ नेटवर्क इंडस्ट्री से कनेक्टेड था जिसकी वजह से मुझे पता था कि क्लोजिंग कैसे होती है. सो उन्होंने ये जो आंसर था मेरी तरफ से वो उनको बहुत अच्छा लगा और शायद यही वजह है कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया. हालांकि सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पे बट इनिशियली उन्होंने 25,000 प्रॉमिस किया था और वो अभी मेरा 5,000 का एक प्रोग्रेसिव उसमें ग्रोथ भी मिलने वाला है जो टारगेट मैंने हिट किया है. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. सो इनफैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में आप एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होंगे. सो आपका अनुभव क्या है? व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस वेयर इज योर एजुकेशन एस्पेक्ट इज कंसर्न इन द जर्नी ऑफ सक्सेस? इनफैक्ट ट्रेनिंग पे मैं बहुत ज्यादा शुरू से फोकस्ड था. जनरली जब हमारे जो लीडर्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में तो वो कहीं ना कहीं वो पिक कर लेते हैं कुछ स्मार्ट लोगों को जो देखते हैं कि ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में अच्छा एलोबरेट कर पाता है तो उसको वो स्टेज पे बुलाते हैं. कहीं ना कहीं ऐसे फंक्शंस किसी होटल्स में होते रहते हैं. तो मुझे भी एक बार ऐसा मौका मिला था. एक कंपनी है जिसका एक प्रोडक्ट था एलोवेरा उसके ऊपर डेमो दिखाया था और वो बहुत ज़्यादा लोगों ने सर्कुलेट किया था उसकी रिकॉर्डिंग्स. लोगों को अच्छा लगा. देन मैं काफ़ी ट्रेनिंग पे बात किया करता था कि हमें लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है और प्रोडक्ट के ऊपर कैसे फोकस करना है क्योंकि वो नीड सामने वाले की अगर समझ पाते हैं उसके हिसाब से हमें सिर्फ 2 से 3 ही प्रोडक्ट के बारे में बताना है. बाकी सारी चीज़ें बाई डिफ़ॉल्ट वो खुद चूज कर लेता है और वहाँ चूंकि बिजनेस वॉल्यूम का खेल होता है उसी पर पूरी इनकम स्ट्रक्चर टिकी होती है. तो मुझे उसके उसको हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं और मैं अपनी तरफ से PPT क्रिएट करके ना वो प्रेजेंटेशन में दिया करता था. तो वो so मुझे your entire learning is need based selling. जितना need based हम लोग वहां पर सेल करते हैं तो उसमें ज्यादा फर्क आपने महसूस exactly. so उसमें उसमें जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसके बाद वो पूरी इनकम उसमें जो वॉल्यूम जो एक्युमुलेट होती है हमारी आईडी पे उस पे वो पूरा इनकम स्ट्रक्चर होता है. वेरी गुड. सो आप ये कॉन्सेप्ट को इंश्योरेंस में कैसे यूज करते हैं फॉर
बेटर क्लोजिंग। इनफैक्ट वहां पे मैंने देखा कि वो फिजिकल प्रोडक्ट है जिसको हम कहीं ना कहीं दिखाते हैं, एहसास कराते हैं। अगर क्लोजिंग नहीं भी होती है तो कई बार हम अपनी तरफ से कोई छोटा सा प्रोडक्ट हम अपने प्रोस्पेक्ट को दे के आते हैं ताकि इसका वो टेस्ट करे, एटलीस्ट यूज करे, और उसके बाद फिर उसके कई बार पीछे से उसकी कॉल आती है कि सर प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, तो एक अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाती है कि हम दोबारा से हम जा करके अपनी फिर से उनकी आईडी लगा सकते हैं, अपने सिस्टम में ला सकते हैं। वही चीज मुझे यहाँ पे ऐसा लगा कि अगर मैं किसी के पास जाता हूँ तो मैं उनके फ्यूचर्स को लेकर के, उनके जो बच्चों के फ्यूचर्स है, उनकी करियर्स है, लॉन्ग लाइफ उनकी जो है एक इनकम का जनरेट करने वाले, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं, मनी बैक प्लान्स हैं अपने पास, तो मैं उस पर वो ज़्यादा हिट करता हूँ। उनसे बात करता हूँ कि देखिए आज जो इनकम आ रही है वो एक इंस्टेंट इनकम तो है, लेकिन एक समय आएगा कि किसी कारणवश तक वो इनकम रुक गई, आपकी किसी डिसेबिलिटीज हो सकती हैं या आपकी जॉब चली गई, तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको गारंटी देगी कि एटलीस्ट सर्वाइवल की कुछ इनकम आपके पास आती रहे। तो वो चीज़ मैं वहाँ पर पिच करना अक्सर पिच करता हूँ, और वो मुझे लगता है कि लोगों को बात बहुत अच्छी पसंद आती है, क्योंकि आज बहुत के डेट में बढ़िया। हर पर कोई यू नो रिटर्न पहले चाहता है। पहले जो दूसरा प्रोडक्ट था उसमें तो आप बोल सकते थे कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एग्जैक्टली अब यस यहाँ सर, पे तो ऐसा कर नहीं सकते, बोले पहले इस्तेमाल करो श्योर फिर। श्योर। यहाँ पे जनरली हम फिर वो टेस्टिमोनियल्स दिखा देते हैं कई बार, या ऐसा रहता है कई बार किसी का चेक उस वक्त मौजूद रहता है कि देखिए मैंने अभी बात किया था, मेरे एक फ्रेंड है और उन्होंने देखिए यही प्लान उनको दिया है और मेरे पास ये चेक मौजूद है, तो कहीं ना कहीं टेस्टिमोनियल्स बहुत काम आते हैं फिर। करेक्ट। सो दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक आइडिया माय डियर फ्रेंड्स, ऑफ यूजिंग टेस्टिमोनियल्स एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दैट यस पीपल आर टेकिंग सिक्योरिटी फॉर देयर फैमिली एंड यू आल्सो कैन टेक इट। फैंटास्टिक, दैट्स अ रियली वेरी गुड आइडिया। एक तो प्रेजेंटेशन के बारे में, एंड हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट प्रिज्म एकेडमी, किस तरीके से आप यहां पर आए? प्रिज्म एकेडमी जनरली आजकल मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक इतना शानदार रोल प्ले करता है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में एंटर किया था जनवरी में स्टार्टिंग में, और जनवरी में मैं कुछ बहुत सारी चीज़ों को फेसबुक पे ऐसा मुझे लगा कि ऑटोमेटिक मुझे दिखनी शुरू हुई, और उसमें सबसे पहले मुझे आपका एक एडवर्टाइजमेंट दिखा कि सिक्योर योर रिटायर्ड लाइफ ऐसा करके कुछ ऐड था, और उस वक्त मैंने उसको क्लिक किया भाई, पूरी डिटेल्स जो है आपकी जो पूरी फनल उसको मैंने देखा, और उस वक्त मुझे तलाश भी थी कि इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिले ताकि मैं उसमें डीप डाउन जा करके चीज़ों को समझ सकूं। सो वो एक मौका था, और मंथ ऑफ फरवरी 2024 में मुझे वो ऐड आप मुझे फेसबुक पे आपकी दिखी, और सर मैं वहां से आपसे जुड़ पाया। और क्या अनुभव रहा, आप क्या क्या सीख रहे हैं यहाँ पर कंटिन्यूअस एजुकेशन के माध्यम से? यहाँ पे जो भी आपकी सर क्लासेस रहती हैं लाइव मंडे, एवरी मंडे, उसमें जो आप फिजिकली आप सबको इंटरेक्शन के थ्रू जो भी आप उनकी सॉल्यूशंस देते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं कुछ महीने कुछ साल से, बट कहीं ना कहीं जो उनके अंदर जो ख्वाहिश है, जो टारगेट लेके चल रहे हैं, उसको वो हिट नहीं कर पाते हैं। सो आपने उसको एक बहुत सिस्टमेटिक पैटर्न में बताया कि कैसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करके और ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग की तरफ फोकस कर सकते हैं, और वो है पैटर्न ऑनलाइन। सो डिजिटल एक प्लेटफॉर्म जो आपने प्रोवाइड कराया है बहुत ही शानदार है, क्योंकि वो एक समय नहीं रहा है कि हम फिजिकली डोर टू डोर जा करके ये उस अपने टारगेट को हम हिट कर पाए। सो ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि हम सभी डिजिटली जा करके और अच्छा लीड जनरेट करके हम मैक्सिमम टारगेट को हिट कर सकते हैं सर। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और आप कोई सेल के बारे में डिस्कस करना पसंद करेंगे? एनी वन स्पेसिफिक सेल दैट यू रिमेम्बर कि जिसको आपने सेल करते हो मजे का अनुभव किया हो, यू वुड हैव चेरिश्ड दैट मोमेंट फॉर योर लाइफ? भैया एक्जैक्टली इसमें एक मेरे कोलिग्स हैं, मेरे साथ ही एयरफोर्स में ही अभी फिलहाल वो सर्विंग है, और मुझे ऐसा लगा कि हम जब सेल्स पे फोकस होकर के जब बात करते हैं तो शायद क्लोजिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे मन में अगर सीधे चलती है सिर्फ कि क्लोजिंग ही करना है, तो कई बार सामने वाले हमारे बॉडी लैंग्वेज से वो रीड करता है कि हमारी ज़रूरत है और हमें उनको वो प्रोडक्ट देना है। जब हम कहते हैं कि वहाँ से कहीं ना कहीं सेल्स एक ऐसी चीज है कि वहां पे साइकोलॉजिकली हमें डील करना है। सो मुझे एक चीज जरूर लगती है कि सामने वाले से अगर हम बात कर रहे हैं लेकिन हमको ये फीलिंग आ रही है मन में कि यस अगर वो प्रोडक्ट नहीं भी लेते हैं तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सामने वाले को कई बार ऐसा लगता है कि इसने प्रेजेंटेशन तो बहुत बेहतरीन दी, सब कुछ अच्छे से बताया, बट इसको ऐसा कुछ वो नहीं है मन में कि आज ये प्रोडक्ट लेके ही जाना है या चेक लेके जाना है, तो सामने वाला कहीं ना कहीं कंसिडर करता है, फोकस करता है। ये मेरा एक साइकोलॉजिकली एक मैंने रीड किया है कि हम अपना परफॉर्मेंस अच्छा दें, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट की जो है पूरी जानकारी, चाहे वो इंश्योरेंस के बारे में हम जो बता रहे हैं वो बहुत अच्छे से बताएं, मतलब उनकी बेनिफिट की बात करते हैं। उस वक्त हमारे माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि हमें अभी चेक लेना है। लेकिन जनरली सभी लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे कैसे भी वो चेक मिल जाए, तो उसमें क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं ध्यान जो है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो वहाँ उस पार्ट से हट जाता है। तो हमें सामने वाले की बेनिफिट की बात करनी है, उनके बारे में पूरी जानकारी पहले लेनी है कि वाकई वो चाहते कैसा प्रोडक्ट है, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत सारे लोग हैं कि बीच में उनको मनी बैक चाहिए होता है, ये मन में सवाल जरूर होता है कि मैं एक लॉन्ग रन तक इन्वेस्ट करता हूँ 10-12 साल तक, बट बीच में मुझे कभी जरूरत पड़ी तो वो कुछ मिलेगा या नहीं, ये बहुत सारे लोग सवाल नहीं बोलते हैं, सवाल नहीं करते हैं। लेकिन हमें वो बातों बातों में समझना है कि आगे उनकी 3-4 साल बाद कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, सो हमें उस तरीके का प्रोडक्ट जी है उनके सामने पिच करना है। और यही एक वजह थी कि हमारे एक कोलिग्स हैं जो कि 3 साल के बाद वो ऑलमोस्ट सर्विस से आउट होने वाले हैं, तो मुझे लगा कि 3 प्रीमियम बहुत अच्छी वो दे सकते हैं। तो ये मुझे कैलकुलेशन समझ में आया, देन मैंने उनको बड़े जॉली मूड में बोला कि सर 3 साल बचे हैं, इस 3 साल को और बेहतर कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जो एक फाइनेंशियली एक वैल्यूएबल अमाउंट आपको मिले, लमसम आपको 20 लाख का एक कवरेज भी मिल रहा है। तो उनको मैंने एक ट्यूलिप प्लान के बारे में बताया और उन्होंने 2,09,000 का एक प्रीमियम बड़ी आसानी से विद इन 10 मिनट मुझे वो चेक दिया साइन करके, क्योंकि 3 साल वो अमाउंट देना है, 2 साल का डिफरमेंट पीरियड है, 5th ईयर में उनको ऑलमोस्ट 9 लाख के आसपास का बेनिफिट मैं जो दे रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। सो अगेन व्हाट आई कम टू नो इज नीड बेस्ड सेलिंग, इसी के ऊपर आपने फोकस किया और उसी की वजह से आप ये सेल कर पाए। करेक्ट, हमें सामने वाले की बेनिफिट के बारे में ज्यादा सोचना है और उसको ज्यादा हमें क्लियर करना है बहुत प्रोस्पेक्ट। बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। सो अब आपका क्या ध्यान है, व्हाट इज द काइंड ऑफ टारगेट दैट यू हैव फॉर योरसेल्फ इन दिस कमिंग फाइनेंशियल ईयर? इस फाइनेंशियल ईयर तक मेरा ऑलमोस्ट, मैं ये चाहता हूँ कि एक टारगेट मैंने लिया है 50 लाख का इस इंडस्ट्री से, और इस सिलसिले में मैं चाहता हूँ कि एक MDRT, फर्स्ट टाइम जो मैंने एक सपना रखा है, एक टारगेट रखा है, उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल द व्यूअर्स। टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स लॉट ऑफ पावर MPTY टू वीरेंद्र फॉर गेटिंग अक्रॉस विद MDRT इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इटसेल्फ। फैंटास्टिक। व्हाट इज द थैंक वन यू सर। पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल द फॉलोअर्स एंड द व्यूअर्स? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग भी इस इंडस्ट्री में हैं, बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है, हर इंसान आज के डेट में कहीं ना कहीं भागम भाग की लाइफ में है, वो लाइफ भी एक अनसर्टेनिटी की तरफ आ गई है, क्योंकि हर पल हर क्षण जब हम घर से बाहर निकलते हैं हर जगह रिस्क है। पहले लोग सोचा करते थे कि इंश्योरेंस सेक्टर में पैसे जमा होते हैं, मिलता कुछ नहीं, अब ये इंश्योरेंस सेक्टर में आने के बाद मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं चेंज देख रहा हूँ कि IRDA ने भी बहुत सारी चीज़ों को उसमें मॉडिफाई किया है, ये इन्वेस्टमेंट आपको मार्केट से बेहतर रिटर्न दे रहा है, हमें उस पर फोकस करना है, अपने क्लाइंट को अपने प्रोस्पेक्ट को इसके तरफ ध्यान लेकर जाना है कि पैसे कहीं फिक्स डिपॉजिट में बैंक में रखने से अच्छा है कि आप ऐसी पॉलिसीज में रखें। और यहाँ पे चूंकि अमाउंट लमसम भी दे सकते हैं, और यहाँ पे हर महीने या हाफ ईयरली ईयरली भी जाता है पैसा, सो वो बर्डन नहीं लगता है, और वो पैसा आपके एक आगे बहुत अच्छे फ्यूचर्स की जो नीड्स है, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो या मैरिज हो, उसमें बहुत बड़ा आपके बर्डन को शेयर करता है वो अमाउंट। सो इस चीज़ पे फोकस करता हूँ मैं, और मेरा यही एक्सपीरियंस है कि हमें क्लाइंट्स की नीड्स को समझते हुए अपने प्रोडक्ट को पिच करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और कंटिन्यूअस एजुकेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? एजुकेशन तो ये सर बहुत ही मस्ट है, हर किसी को पहले अच्छे से नॉलेज लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बिना जानकारी के हम डायरेक्टली फील्ड में उतरते हैं, और जब वहाँ पे जाते हैं तो पता ही है कि क्लाइंट अगर उसको कुछ आता भी नहीं है तो एक चीज़ जरूर आता है, क्वेश्चन करना, और फिर अगर हमारी तैयारी नहीं है तो हम उसको आंसर नहीं कर पाते हैं, और वहीं पे जो है हम कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होते हैं। सो बेटर ये है कि अपनी प्रोडक्ट को लेकर के कॉन्फिडेंट होना है, तो पहले अच्छे से जो भी सोर्सेज है हमारे पास ऑनलाइन है, या जो फिजिकली जो भी हमारे अपलाइन है, या इस सिस्टम में जो भी हमारे सीनियर्स हैं, उनसे पहले अच्छी जानकारी लें प्रोडक्ट की, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट को लेकर के कॉन्फिडेंट है तो हम अपने बात को आगे बहुत अच्छे से रख सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर एवरी वन माई दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। वॉट आर योर की लर्निंग्स? प्लीज डू शेयर इन द कमेंट बॉक्स वॉट आर योर पर्टिकुलर लर्निंग्स। एंड येस, फॉर ऑल द काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वी हैव प्रिज्म अकेडमी, देर आर सो मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यू कैन कम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्टार्ट द जर्नी ऑफ योर लर्निंग। थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी फॉर दिस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक थैंक यू। यू सर।